वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच गुरुवार को आरा शहर के चिकित्सक डॉक्टर कुमार जितेंद्र कोरोना फाइटर्स पुलिस कर्मियों के बीच साबुन, मास्क, बिस्किट और सैनिटाइजर का वितरण किया। मौके पर चिकित्सक ने कहा कि हमें यह ख्याल आया कि जो भी कोरोना फाइटर्स पुलिसकर्मी अपने घर गांव छोड़ दिन रात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भोजपुर में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको मैं यह सब चीज़ का वितरण करूं। ये सब चीज़ एक सिंबल के तौर पर ताकि आम लोगों को प्रेरित करें, जैसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद बार बार साबुन से हाथ धोना, मुँह में मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना। इसके साथ ही डॉक्टर कुमार जितेंद्र ने कहा कि जिले में कोरोना फाइटर्स के रूप में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और गार्ड सभी अपनी ड्यूटी पूरे दिल से कर रहे हैं। भोजपुर जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से लॉकडाउन को कायम करने में बड़ा योगदान दिया है। वो इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा हम लोग का कर रहे हैं, लोगों का सहयोग, इस वजह से हम लोग मतलब थोड़ा नियमबद्ध रूप से चल रहे हैं। तो हम ये सोचे, मेरे दिमाग में आया कि इन लोगों को हम लोग कुछ ऐसा सामान दें ताकि ये लोग लोगों को भी प्रेरित करें, जैसे खाना खाने के पहले या बार बार साबुन से हाथ धोने की बात है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर है, और ये लोग भी हम लोग की सेवा के लिए घर से बाहर जो लोग आए हुए हैं। तो मेरी इच्छा है कि इन लोगों को जैसे थोड़ा एक बिस्किट का पैकेट दे दिया गया कि बीच में थोड़ा दें, ये बस एक सिंबल है और ये संदेश आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं देना कि हर आदमी इस तरह से समाज में आगे बढ़े। और जिन लोगों को या जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, आप लोग भी कोरोना फाइटर्स हैं, जितने डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, तो इन लोगों को समाज बढ़ चढ़ के धन्यवाद भी दे और प्रोत्साहित भी करें। अगले कार्यक्रम में मेरा विचार ये है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन लोगों को भी हम खाने पीने का सामान देंगे। आज हम प्रथम बार शहर में इतने दिनों के बाद बाहर निकले हैं घर से, और सब लोगों को चाह रहे हैं कि इस तरह का संवाद दें, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हर आदमी इसमें सजग हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में जब तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक कोरोना का असर ख़त्म नहीं होगा। सर, आप एक खुद चिकित्सक हैं और इस वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करें? लोगों को बस यही संदेश दे रहे हैं कि बिना वजह घर से बिल्कुल नहीं निकलिए, घर में रहिए, दूर रहिए, और जिस किसी को भी कोई भी लक्षण दिखाई पड़े, सर्दी का, खांसी का या हल्के बुखार का, वो लोग तुरंत आकर के संपर्क करें। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत खुशी की बात है कि भोजपुर और ये हमारा जो शाहबाद प्रक्षेत्र है वो बिल्कुल कोरोना से पीड़ित नहीं है। और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी 20 तारीख से भी छूट देने जा रहे हैं, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब हम लोग अपने आप को थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तभी हम लोग को फायदा होगा।